राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी नागदा में गिरफ्तार कर लिया गया है। नागदा स्टेशन चौराहे पर ठाकुर भोजनालय पर नागदा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इंदौर में उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। जूनी इंदौर थाने में यह मामला दर्ज किया था और उसके बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। नागदा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर इंदौर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पूरा मैटर जी थाना जूनी इंदौर में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था धारा 507 का, और जिसमें जो आरोपी है उसका फोटो उनके द्वारा ही वायरल किया गया था, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी निर्देश थे कि इस टाइप का व्यक्ति जो दिखाई दे तत्काल उसे पूछताछ का अग्रिम कार्रवाई हेतु करने को बताया गया था। एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमारे लोग सब सक्रिय थे। हमारी टीम से उप निरीक्षक गौतम सिंह बघेल अपने एक अन्य विवेचना में गए हुए थे, तो वहाँ पर ठाकुर भोजनालय के पास ये व्यक्ति खाना खाते हुए होटल में बैठा दिखा, तो उन्होंने फ़ोटो मैच किया और फिर हमें बताया, फिर हमने और टीम भेज दी, उनको लेके आए थाने पे और संबंधित जिले को वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से सूचित कर दिया और वो लोग ने पूछताछ कर ले गए। सब कुछ दस्तावेज मिले इसके पास से? इसके पास कुछ मोबाइल नंबर वगैरह मिले हैं, तो वो और कुछ से लिखावट विकावट मिली है, तो वहाँ की पुलिस इस चीज़ की तस्दीक कर। ये मोबाइल नंबर कहाँ के, मतलब किस नेता लोगों के, राजनेताओं के थे या नहीं? ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई, लेकिन कुछ नंबर जो हैं वो लोग इंदौर पुलिस उसकी तस्दीक करेगी, उनके नंबर किसके हैं और हैंड राइटिंग क्या, वो इंदौर पुलिस। आधार कार्ड में जो एड्रेस कहाँ का था सर? आधार कार्ड पर उसका एड्रेस रायबरेली का, उत्तर प्रदेश का। ठीक, धन्यवाद सर। इंदौर में थाना जूनी में एक अपराध पंजीकृत किया गया था, आप लोगों ने कुछ ध्यान होगा, कुछ दिन पहले एक इस तरह का एक पत्र मिला था जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसका आधार पर इंदौर पुलिस जो जांच कर रही थी, जांच के आधार पर उन्हें एक संदिग्ध को नागदा में होना बताया था। उनकी सूचना पर हमारी नागदा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और उस हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई है। प्राथमिक पूछताछ के बाद इंदौर की टीम आ रही है, चूंकि प्रकरण उनके यहाँ पंजीकृत है, तो बाकी विवेचना आगे इंदौर पुलिस करेगी। सर, कौन आरोपी और क्या आरोपी का में जानकारी? आरोपी का नाम जैसा आप जानते हैं कि नहीं दिया जा सकता है, संदिग्ध है, नागदा में रहने नागदा में रहना पाया गया, मूलतः वह रायबरेली का रहने।